मेरा नाम लांस नायक ब्रजेश कुमार दुबे है, जो 40 राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू सोजिया सेक्टर में तैनात हूँ। मेरा गांव कौलपुर कनू संग्रामपुर थाना अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। क्या समस्या है, किस लिए आप बैठे हैं, पूरा मामला बताइए। मेरी जमीन, मैं एक जमीन बैनामा लिया था 1 से 1.5 साल पहले, जिसकी पैमाइश हकदाराई तय करवा चुका हूँ और मैं उसमें अपना छप्पर रखा हुआ था। छप्पर 7 से 8 लोग आता, उनके घर की महिलाएं जिनका नाम सुरेंद्र, राम बहादुर, मथुरा, सजीवन, तुलसी राम, विजय कुमार, श्री राम इत्यादि उनके घर की महिलाएं तथा बच्चे हमारी जमीन को कब्जा कर लिए हैं और वो हमारे को जाने से मना करते हैं। अतः हमारे बच्चे और बीवी को जान से मारने की धमकी देते हैं। अतः हम क्या करें, हमारी जमीन मिल नहीं रही है। अब तक किससे किससे मिले, किस किस अब तक मैं DM के पास दे चुका हूँ एप्लीकेशन जाके, SDM के पास 2 बार, 3rd बार आया हूँ मैं, उसके बाद थाना प्रभारी के पास जा चुका हूँ मैं, अभी CEO साहब के पास जा चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यह मिला कि राजस्व की टीम जाए अभी, तभी आपका मैं चल के तुरंत कब्जा कराऊंगा। अभी मैं क्या करूँ बताओ, राजस्व की टीम बोलती है सिविल कोर्ट आप जाइए। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? अभी मेरे को नहीं, मैं तो भारतीय सैनिक हूँ, मैं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हूँ, जो कि हमारे जहाँ हमारा पोस्ट है वहाँ से 500 से 700 मीटर दूरी है पाकिस्तान का बॉर्डर। हम लोग तो वहाँ 24 घंटे बर्फ पड़ती है, वहाँ रहते हैं, अतः हमारी जमीन की थ्रू चाय नहीं प्रसादन कर पा रही है। बताइए मैं क्या करें, हमारा बच्चा और बीबी जो कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, अभी मैं क्या बताऊँ। प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरे को बोलता है सिविल कोर्ट जाइए आप, अभी मैं जाऊँ कहाँ बताओ आप। सम से मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो मतलब इंडियन आर्मी के जवान के प्रति ऐसी घटिया सोच रखने वाला बेचारा, वो हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ है 24 घंटे एकदम ड्यूटी कर रहा है हमारे लिए और उसकी ज़मीन पे एकदम नजरें गड़ाए बैठे हैं, उनको ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और उनके बीवी और बच्चे को मतलब मारा जा रहा है। इतना घटिया काम, इतनी छोटी सोच रखने वाले जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों हम लोग ये कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना चाहिए कि हमारे इंडियन आर्मी जवान के साथ क्या हो रहा है और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो इंडियन आर्मी के प्रति थोड़ी भावनाएं लोगों की कम हो जाएगी। अगर उसके साथ ऐसा होगा तो कौन जाना चाहेगा, तो लोग है इसमें मतलब थोड़ी कम इंटरेस्ट लेंगे और जो हमारा जवान है वो डीमोटिवेट होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।